हाय गाइस, दिस इज पॉप टेलर। आज की इस वीडियो में हम लोग 32 इंच चेस्ट साइज के ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने अस्तर को 80 सेंटीमीटर का लिया है, तो इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद आप लोगों को इंची टेप को रखना रहेगा इस तरीके से, और यहाँ पर आप लोगों को 32 इंच के चौथाई भाग को लेना रहेगा, यानी कि 8 इंच आएगा, और उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10 इंच। आप लोगों को इसकी चौड़ाई 10 इंच की लेनी है, ठीक है। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके मैं साइड में कर देती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर कपड़ा बराबर नहीं है, तो यहाँ पर मैं स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी। अब मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ इस तरीके से। इसके बाद मैं ब्लाउज की लंबाई ले लूंगी, तो 13.5 इंच का हमें तैयार करना है, तो 14.5 इंच का मैं बैक पार्ट लूंगी और 15.5 इंच का फ्रंट पार्ट लूंगी, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इससे हम लोग बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, और ये जो 1 इंच बड़ा है इससे हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे ब्लाउज की, ठीक है। तो पीछे के गले की लंबाई मैं लूंगी 9.5 इंच की, और यहाँ से आप लोगों को लेना रहेगा 2 इंच। ऊपर की साइड से भी 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और 5 इंच पर निशान लगा दूंगी मैं यहाँ पे आर्म होल का। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दूंगी और इस कोने पर इंची टेप को रख के 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी, और यहाँ पर गोल गले का शेप दे दूंगी। यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रख के आपको 5 इंच पर निशान लगाना रहेगा। आर्म होल की लंबाई मैं 6 इंच की लूंगी, इस साइड से भी 6 इंच पर निशान लगा दूंगी, और फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ से आप लोगों को 1/2 इंच डाउन दे देना रहेगा। तो ये ब्लाउज का बैक पार्ट है, तो इस कॉर्नर से आप लोगों को इंची टेप को रखना रहेगा, 2 इंच पर एक निशान लगाना है। यहाँ से मैं आर्म होल का शेप दूंगी। आर्म होल का शेप देने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस कोने पे 1/2 इंच पर एक निशान लगाना रहेगा, और एक सीधी लाइन खींच लेनी रहेगी इस तरीके से। फिर प्लेट का निशान लगा लेंगे हम लोग ब्लाउज में, तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, तो सबसे पहले आर्म होल की कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ से दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दूंगी। इसके बाद मैं फ्रंट पार्ट को साइड में कर देती हूँ, और ये जो 1/2 इंच का निशान लगाया था यहाँ पे कटिंग करके इतना कपड़ा हटा देंगे हम लोग। अब गले की कटिंग कर देंगे। इसके बाद में इस प्लेट के निशान को हम लोग इस साइड में कॉपी कर देंगे, तो प्लेट वाले निशान को मैं डार्क कर देती हूँ कुछ इस तरीके से, और अब इसे पीछे के साइड में कॉपी कर दूंगी। तो ब्लाउज का बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम लोग ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को कट कर लेते हैं। ब्लाउज के फ्रंट का गला हम लोग 6.5 इंच लंबा लेंगे और चौड़ाई 2 इंच की। ऊपर की साइड से भी 2 इंच पर निशान लगा दूंगी, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ पे भी हम लोग को गोल गले का निशान लगाना है। तो अब मैं ब्लाउज में बेल्ट का निशान लगा देती हूँ। तो इस तरीके से इंची टेप को रखिएगा, और यहाँ पर आप लोगों को 5 इंच पर निशान लगाना रहेगा, और इस साइड से आप लोगों को 6 इंच पर एक निशान लगाना रहेगा। अब इन दोनों निशानों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर इस लाइन पे आप लोग इंची टेप को इस तरीके से रखना है, और 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगाना रहेगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को इसे ऊपर की ओर कर देना रहेगा इस तरीके से, ये देखिए। फिर हम लोग ब्लाउज में प्लेट्स का निशान लगाएंगे, तो जो सेंटर वाली प्लेट है वो हमारी 10.5 इंच पर पड़ेगी। फिर इसके बाद में सेंटर वाली प्लेट पे आप लोगों को इस तरीके से इंची टेप को रखना है, और 2 इंच पर एक निशान लगा लेना रहेगा प्लेट्स का। और अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूंगी मैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप इसमें प्लेट्स डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम इन प्लेट्स को दूसरे साइड में भी कॉपी कर लेते हैं, तो मैं इसे इस तरीके से घुमाऊंगी। अब हम लोग इसकी कटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले गले की कटिंग करूंगी, और अब यहाँ पर बेल्ट की भी कटिंग कर दूंगी ब्लाउज की, और इसे यहाँ से भी कट कर देती हूँ। अब हम लोग ब्लाउज की स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं।
स्लीव से कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने अस्तर को डबल फोल्ड में करा है इस तरीके से। अब इसके बाद में आप लोगों को इसे फिर से फोल्ड कर देना रहेगा कुछ इस तरीके से। अब ये 4 फोल्ड में हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर मैं पलटने वाली स्लीव्स बना रही हूँ, इसलिए मैं 10 इंच लंबा लूंगी इसे। मुझे इसे 9 इंच का तैयार करना है, 1 इंच मार्जिन के लिए है। फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को इंची टेप को इस तरीके से रख के 3.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ ऊपर की साइड आप लोगों को 2.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस कॉर्नर से आप लोगों को इस लाइन पे इंची टेप के चेस्ट के चौथाई भाग में 1 इंच घटा करके निशान लगाना रहेगा। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पे निशान लगाती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग स्लीव्स की चौड़ाई 5 इंच की लेंगे और उसमें हम लोग 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। और ऊपर के साइड में भी मैं 1 इंच का मार्जिन ले लूंगी। पर अब इन दोनों एक्स्ट्रा मार्जिन वाले निशानों पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इसके बाद इस निशान से यहाँ तक आप लोगों को आर्म होल का शेप देना रहेगा। और अब इसकी कटिंग कर देती हूँ। फिर इसे ओपन कर लूंगी इस तरीके से और ये जो ज्वाइंट है इसे कट कर देती हूँ। फिर स्लीव्स के सेंटर पे आप लोगों को एक कट का निशान लगा लेना रहेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आप लोगों को 1/2 इंच की गहराई देते हुए इसे इस तरीके से निशान लगा लेना रहेगा और फिर इसकी कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। तो गाइज यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग हो गई है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।